So, hey guys, good morning. Welcome back to my channel, Medico's Point. I hope you all are doing good. So, this is a weekend study vlog or a chill study vlog, anything, whatever you say. तो इसमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी, लाइक होगी बट टुडे इज़ वीकेंड तो ज़्यादा नहीं होगी. सो टुडे आई वोक अप एट अराउंड 6:30. उसके बाद योगा वगैरह करके नहा के आई एम प्रिपेयरिंग माई ब्रेकफास्ट बिकॉज आज सैटरडे है तो आई थॉट वाई नॉट टू कुक बाय माई सेल्फ. तो मुझे मज़ा आता है कुकिंग में, सो आई एम डूइंग इट बाय माई सेल्फ. एंड इफ़ यू वॉन्ट कि आज के व्लॉग में ज़्यादा पढ़ाई है तो यू आर रॉन्ग. ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी, होगी ऐसा भी नहीं है बिल्कुल नहीं होगी, बट थोड़ी कम होगी. तो अगर आप सिर्फ पढ़ाई देखने आए हो तो आई एम रियली सॉरी, बट इफ़ आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है सो यू कैन एन्जॉय दिस लाइक दिस ओनली. तो अभी आई एम प्रिपेयरिंग माई ब्रेकफास्ट जैसा मैंने बताया, सो आई विल मीट यू आफ्टर दिस. सो आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट ऊपर आया तो इतना सब कुछ पड़ा है रूम में, लाइक गंदा हुआ पड़ा एकदम रूम. वैसे जो काम वाली दीदी हैं वो साफ़ करके चले गए हैं रूम, बट स्टिल ये ऊपर ऊपर से तो मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा, बेड वगैरह बनाना एंड एवरी थिंग ऑल दैट. तो आज तो बादल भी नहीं है. तो मैं रोज़ कंप्लेंट करता था कि रात को बारिश होती है सुबह बादल होते हैं, तो आई थिंक वो गुस्सा हो गए. आज बादल भी नहीं है, बारिश तो चलो क्या ही होगी, लेट सी रात को अगर होती है नहीं. वैसे गर्मी इतनी नहीं है बट बादल नहीं है आज वैसे. तो उसके बाद मैंने सफाई वगैरह की तो दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग नाउ. एंड अभी अच्छा लगेगा बैठने में भी एंड पढ़ने में भी अगर कुछ पढ़ना है. तो आज सिर्फ एक ही लेक्चर है हमारा विच इज़ ऑफ बॉटनी, तो अभी मैं वो अटेंड करने वाला हूँ. टाइम 11 हो चुका है और 11 से भी ज़्यादा ही हो चुके हैं. मैं थोड़ा सा रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा मुझे. सो या लेट्स स्टार्ट विद इट एंड आई विल मीट यू आफ्टर दिस. एंड एक और अपडेट अबाउट माई ट्राईपॉड, मेरा ट्राईपॉड नहीं आया. मैंने उस पर चेक किया तो वो लिख के आ रहा है कि इट्स रिटर्निंग टू सेलर एंड योर रिफंड विल बी इनिशिएटेड एंड ऑल दैट. तो अब मुझे दोबारा ऑर्डर किया है मैंने, अब फिर से परसों आएगा, लाइक इट विल बी ऑन 5th June. तो लेट्स सी उस दिन आता है या नहीं, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसकी एंड वो नहीं आ रहा है. तो जब भी आएगा आई विल अनबॉक्स दैट. मंडे को दिखा रहा है, लेट्स सी आता है या नहीं. सो आई विल मीट यू आफ्टर दिस. अभी प्लानिंग वगैरह तो हो चुकी है तो अभी इसको इनिशिएट भी करना ही पड़ेगा हमें. तो अभी मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट. वैसे ये मेरा आज का टास्क तो नहीं था बट मैंने कल लिखा था अपने डायरी में एंड कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो इसको आज कर लेते हैं. ये वैसे 12th का चैप्टर है बट पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ
एंड हाँ पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिकॉज यकीन का सिलेबस ना मार्च में एंड हो रहा है, सो आई हैव टू कम्प्लीट इट टिल दिसंबर. तो मुझे थोड़ा सा खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा. बट एनी वेज, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ PW के बारे में, जिनका वो ऑफ़र चल रहा था विच वॉज़ ऑन द ओकेजन ऑफ 3 साल लाजवाब, फ्रॉम 27th of May टू 2nd of June. तो 2nd of June तो चली गई, बट अलग सर ने इसको एक्सटेंड करके कर दिया है टिल 5th of June, लाइक कल तक. तो इफ़ यू स्टिल वॉन्ट टू बाई अ बैच, जिसके बारे में आपको बता देता हूँ, अभी बहुत सारे बैचेस लॉन्च हुए थे एंड बहुत सारे बैचेस के प्राइस ड्रॉप हुए थे. वन ऑफ देम इज़ अर्जुना नीट 2.0 फॉर क्लास 11th एंड नीट, एंड इसका प्राइस है सिर्फ 3,800. एंड सेकेंड बैच इज़ लक्ष्य नीट 2.0, दिस इज़ फॉर 12th बोर्ड्स एंड नीट, तो इसका भी प्राइस है 3,800. एंड थर्ड इज़ यकीन 2.0, जिसमें मैं अभी एनरोल्ड हूँ, इसका प्राइस है 3,900. एंड इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइक 2 टीम्स ऑफ टीचर्स पढ़ाएंगी, वन इज़ अल्फ़ा एंड वन इज़ लेजेंड. एंड आपको DPPs मिलेंगी, DPPs के सोल्यूशंस मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे एंड मैनी थिंग्स. मॉड्यूल्स मिलेंगे PDF फॉर्म में. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दीज एनी ऑफ दीज बैचेज, यू कैन गो इन, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. एंड फॉर एडिशनल डिस्काउंट यू कैन यूज़ माई कोड MED150 फॉर एक्स्ट्रा ₹150 डिस्काउंट. सो वट आर यू वेटिंग फॉर? अभी तो ऑफर एक्सटेंड हो गया है, आगे शायद ना हो, सो गो एंड चेक इट आउट. सो मैंने इसके नोट्स रिवाइज कर लिए हैं. वैसे मेरे पास सारे चैप्टर्स के नोट्स नहीं हैं, कईयों कईयों के हैं लाइक जो स्टार्टिंग के थे, बाकियों के हैं तो वो लाइक कभी कंप्लीट हैं, थोड़े नहीं कंप्लीट हैं, ऐसे ऐसे कुछ है. तो अभी मैं इसी चैप्टर की NCERT पढ़ लेता हूँ, सारी नहीं पढ़ूंगा, जितनी भी मेरे से होगी उतनी पढ़ लूँगा. एंड आई विल मीट यू आफ्टर दिस. सो NCERT पढ़ के मेरा हो चुका है, नोट्स भी पढ़ के हो चुका है. सो दिस चैप्टर इज़ नाउ कम्प्लीटेड. एंड पता नहीं क्यों आज मेरा इतना मन कर रहा है ना कुछ फ्राइड खाने का, टिक्की वगैरह समथिंग खाने का, बट ड्यू टू माई चैलेंज मैं नहीं खा सकता. बट फिर मैंने सोचा कि एयर फ्रायर में क्यों नहीं बना सकते हम, बिकॉज उसमें तो फिर फ्राई भी नहीं हो सकेगा ना, वो तो ऐसे ही बन जाएगा. तो हाँ, वैसे ये टास्क थे मेरे जो कि हो चुके हैं. एंड वन ऑफ माई सब्सक्राइबर कमेंटेड पिछली 2 वीडियोस से, वो कमेंट कर रही हैं कि आप अपनी नोटबुक दिखा दो. तो मैं दिखा देता हूँ अपनी नोटबुक. ये मेरी बायो की नोटबुक है एंड इसके नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, बॉटनी के दिखा देता हूँ, वो मेरा ये लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर के. तो ये देख लो, आई थिंक उनको मेरी हैंड राइटिंग वगैरह ही देखनी होगी शायद, और तो क्या ही है. तो हाँ, अभी ये मेरी नोटबुक है. तो एनीवेज, मैं बता रहा था कि अभी मैं बनाऊंगा टिक्की, लाइक मैंने कभी पहले ट्राई नहीं की है, सो आई विल बी ट्राइंग इट फर्स्ट टाइम एयर फ्रायर में. वो भी मुझे नहीं पता कैसी बनेगी, बट मैंने यूट्यूब पे रेसिपी देखी है, तो देखते हैं उनके हिसाब से बनाऊंगा जैसे उन्होंने बोला. तो मैंने ले लिए कुछ आलू जिनको मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगा, एंड साथ में मैंने ब्रेड का क्रम बोला था उन्होंने, तो मेरे पास ब्रेड हैं तो इनको मिक्सी में पीस लेंगे. तब तक मेरे आलू भी हो चुके हैं तो उनको चेक कर लेते हैं. ये हो चुके हैं बट बहुत गर्म है तो कपड़ा यूज़ करता हूँ निकालने के लिए, बट देखते हैं कैसा बनता है. लाइक मुझे थोड़ा ऐसा भी हो रहा है कि कहीं सब कुछ ख़राब ना हो जाए, मेरा टाइम ना वेस्ट हो जाए, बट हाँ ये हो चुका है मेरा. अभी मैंने ब्रेड का क्रम कर लिया है, मिक्सी में किया, हाथ से नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली. तो ये मेरे आलू हो गए हैं, एंड वो मेरे मम्मा थे जो साथ में हेल्प कर रहे हैं, शी इज़ माई मॉम. एंड बिकॉज मैं अकेला, मुझे नहीं आता ना, मैं इतनी ज़्यादा भी कुकिंग नहीं करता. हाँ मैं करता हूँ, बाकी सब मैंने खुद किया, ये बनाए भी मैंने खुद ही हैं, बस थोड़ा सा उन्होंने हेल्प कर दी थी. तो एयर फ्रायर में ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग इट, तो डालते हैं. वैसे एक बार में 4 ही जाएंगी. इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी लगा देते हैं बिकॉज होता है, उन्होंने भी लगाया था. एंड फिर मैंने रखा था प्री हीट करके, एंड अभी उसके बाद 8 मिनट रखा था इसको 200 डिग्री पे. एंड ये कुछ ऐसी दिख रही हैं, मुझे नहीं पता टेस्ट कैसा होगा इनका, एनीथिंग एल्स, बट दिखने में तो थोड़ी टिक्की नहीं लग रही मुझे.
एनीवेज़, तो इसको मैंने उतना ही पकाया, 2 मिनट और रखा था बस। उसके बाद मैंने दही थोड़ा प्रिपेयर कर लिया एंड ये मेरी टिक्की रेडी है, चार चार अभी अंदर हैं, तो 8 बनाई हैं। मैं खुद नहीं खा जाऊँगा सारी, मतलब सभी सभी खाएंगे घर में। तो खाने में बता देता हूँ, बहुत टेस्टी थी, आप भी ट्राई कर सकते हो इफ़ यू वांट। मैंने कुछ नहीं डाला था, बस ब्रेड क्रम्स, थोड़ी सी सूजी एंड आलू, दैट्स इट। एंड उसके बाद हमारा प्लान बन गया टू गो फॉर अ मूवी, बिकॉज़ आज सैटरडे है। तो मूवी के बाद, मूवी की मैंने क्लिप शूट नहीं की, आई डोंट नो व्हाई। तो उसके बाद हम आ गए डिनर करने, बट एक तो मेरा 75 डेज़ का चैलेंज चल रहा है, तो मैं कुछ खा नहीं सकता था। दूसरी बात कि मैंने घर पे टिक्की वगैरह बना के खा ली थी, तो मैं फिर से कुछ नहीं खा सकता था। तो मम्मा पापा ने खाया, मैंने, ये नान में बहुत बटर था तो इसलिए मैंने ये स्किप कर दिया, मैंने उनको ही दे दिया था, बस आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो मैंने पनीर खा लिया था एंड साथ में रायता, आई थिंक दैट्स फाइन ना। तो उसके बाद हम चले आए घर वापस। तो दिस वॉज़ इट फॉर माई डे एंड दिस वॉज़ माई सैटरडे वीकेंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरी वन, आई होप यू ऑल इन्जॉयड। इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।